नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र पाठ 3 केंद्रीय कार्यकारी मंडल का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं पाठ 3 केंद्रीय कार्यकारी मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला क्या है, भारत की कार्यकारी सत्ता खाली जगह के पास होती है। इसका ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। तो इसके उत्तर में आएगा राष्ट्रपति। भारत की कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपति के पास होती है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल खाली जगह वर्ष का होता है। ऑप्शन है 3, 4, 5। उत्तर में आएगा 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरे प्रश्न में है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व खाली जगह करते हैं। पहला है पार्टी प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसके उत्तर में आएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, पहचानो और लिखो। पहला है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का भारत के जिस मंडल में समावेश होता है उस मंडल का नाम बताइए। उस मंडल का नाम आएगा कार्यकारी मंडल। दूसरा है, अधिवेशन सत्र में दोपहर 12 बजे का समय इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शून्यकाल। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न संकल्पनाएं अपने शब्दों में लिखो। पहला है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है। इसके उत्तर में आएगा, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, इसलिए जब राष्ट्रपति का कोई आचरण संविधान का उल्लंघन करता है तो नीचे दिए गए महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो क्या क्या है, पहला है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में अभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है। दूसरा, एक सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच दूसरे सदन द्वारा की जाती है। तीसरा, दोनों सदनों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाने पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। अब हम अगला करते हैं, इसमें क्या दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी मंडल अपने कार्यों के विषय में विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा, लोकसभा में बहुमत का समर्थन पाने तक ही मंत्रिमंडल अपने पद पर रह सकता है। तीसरा, संसद सदस्य यह कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा। और चौथा, यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाना मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावकारी मार्ग है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, जंबो मंत्रिमंडल। इसके उत्तर में आएगा, पहला, जिस मंत्रिमंडल में अधिक सदस्यों का समावेश होता है उसे जंबो मंत्रिमंडल कहते हैं। दूसरा, अपने हितों तथा संबंधों को बनाए रखने के लिए जंबो मंत्रिमंडल बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है। तीसरा, इसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। चौथा, इस संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों के संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संशोधन के कारण मंत्रिमंडल में अनेक लोगों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लग गया और आवश्यकता से अधिक मंत्रियों पर होने वाला शासन का खर्च बच गया। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, संक्षेप में उत्तर लिखो। पहला, मंत्रिमंडल के कार्य स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, मंत्रिमंडल निम्न कार्य करता है। पहला, मंत्रिमंडल कानून के निर्माण के लिए अग्रसर होकर उसका प्रस्ताव तैयार करता है। दूसरा, प्रस्ताव पर चर्चा करके उसे संसद में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। तीसरा है, शिक्षा, कृषि जैसे विभिन्न विषयों पर अपनी नीति निश्चित करके उसे संसद में प्रस्तुत करता है और उस पर संसद की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास करता है। चौथा है, संसद से मान्यता प्राप्त नीतियों के कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। इसके उत्तर में आएगा, संसद मंत्रिमंडल पर नीचे दिए अनुसार नियंत्रण रखती है। पहला है,
मंत्रिमंडल द्वारा सदन में प्रस्तुत विधेयकों पर संसद के सदस्य चर्चा करके विधेयक अथवा नीति की कमियां बताते हैं, सरकार की गलत नीति की आलोचना करके निषेध व्यक्त करते हैं। दूसरा है, संसद के सत्र काल में दैनिक कामकाज का प्रारंभ प्रश्नोत्तर से होता है। संसद के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संबंधित मंत्रियों को देने पड़ते हैं। तीसरा है, सत्र काल में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्य काल कहा जाता है। इस समय अवधि में संसद सदस्य सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चौथा है, संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। यहाँ पे हमको लिखना है भारत के राष्ट्रपति के कार्य, भारत के राष्ट्रपति की कितने कार्य है। तो भारत के राष्ट्रपति के टोटल 8 कार्य है। उनमें से पहला है आपातकालीन परिस्थिति में देश में आपातकाल घोषित करना। दूसरा है लोकसभा को कार्यकाल के पूर्व बर्खास्त करना। तीसरा है संसद का सत्र बुलाना स्थगित करना। चौथा है संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। पांचवा है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना। छठा है राज्यपाल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। सातवां है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सजा कम अथवा रद्द करना। आठवां है तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्तियां करना, युद्ध और शांति संबंधी निर्णय लेना। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।